फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जो लास्ट क्लास था, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक खत्म करा था। तो आज का जो इसकी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आपको कंप्लीट मूल बेस बताऊंगा, बोल्टिंग बताऊंगा, स्क्रू बुश बताऊंगा, लोकेटिंग रिंग बनाना सिखाऊंगा, तो सारा चीजें स्टैंडर्ड बनाना सिखाऊंगा और इसको हम बनाएंगे कॉम्प्लीट असेंबली के थ्रू। जो लास्ट क्लास में हमने बताया था कॉम्प्लीट असेंबली के थ्रू, ये वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरा मोल्ड बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको आने वाला है। बेसिकली यहाँ पे जो हम बनाएंगे थ्री प्लेट में बनाएंगे, तो थ्री प्लेट में क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी हम लोग को मोल्ड बेस की साइज लेना चाहिए, कहाँ से हम इसको चेंज करेंगे, तो एक एक चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है और एक एक चीजें आपको देखना। इसने भी पहला वाला लेक्चर नहीं देखा, जाके पहला वाला लेक्चर देख ले, क्योंकि वो पहला वाला लेक्चर में हमने कंप्लीट कोर के विधि देख पा रहे हो। यहाँ पे हमने असेंबली की तरीके से कोर के विधि बनाया है और यहाँ पे जैसे लिफ्टर का इंसर्ट डाला हमने, फिर यहाँ पे स्लाइडर का इंसर्ट डाला, तो सारा चीजें वो पहला वाला लेक्चर में देख सकते हो आप। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इसको एज इट इज रखते हैं, जैसे भी है वैसे इसको रखते हैं। उसके बाद इसका साइज वगैरह हमने पहले से डाल रखा है, तो साइज वगैरह हमें कुछ नहीं करना है। मैं मोल विजार्ड में जाऊंगा तो काम करूंगा मोल विजार्ड, तो उससे पहले इसको मुझे एक काम करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो असेंबली है इसको जाके मैं एक ओपन विंडो कर लूंगा, और जो कोर पार्ट है मेरा कोर पार्ट है यहाँ पे भी मैं इसको एक ओपन असेंबली कर लूंगा। ठीक है, अब देखो आपको करना यो है, ये जो असेंबली आप देख पा रहे हो, इस असेंबली में आपको करना यह है, यहाँ पे आपको एक क्या डालना है, राइजर डालना है यहाँ पे, है ना। हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोकेटर डालेंगे, लोकेटर हम डालेंगे 40x40 का टैप डाल के, दोनों 40x40 डाल सकते हो आप। और इधर में हम एक कार्ड देंगे, इधर पे हम एक कार्ड देंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने की बार इसको हम जो है 20mm का कर लेते हैं, क्लियर, 20 का कर लेते हैं। और इसको जो है हम यहाँ पे कर देंगे मिरर, अगेन दोनों को आपको इस डायरेक्शन में मिरर कर देना है, ठीक है। मिरर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम 8mm का एक्सट्रूड कर देंगे, 8mm का एक्सट्रूड करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, तो सीधा जो है इसको 8mm ही रखो आप, और यहाँ पे जो है नान कर दो, ठीक है। देखो ये जो राइजर उठाना है ना, तो मशीनिंग इस एरिया में होने वाला है ना, मशीनिंग इस एरिया में होने वाला है, तो हम जो है जो भी उठाएंगे लोकेटर को, हम कहाँ पे उठाएंगे, कोर साइड में उठाएंगे, है ना, कोर साइड में उठाएंगे जो हम लोकेटर उठाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कोर साइड में उठाएंगे, तो उसके बाद कोर साइड में उठाए, अभी मैंने कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं डाला, ठीक है, अभी मैंने कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं डाला, यहाँ पे ड्राफ्ट वगैरह हम अभी नहीं डाल रहे। उसके बाद जो मैं यहाँ पे असेंबली में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ केबीडी साइड को, जाने के बाद असेंबली में जाके वेब ज्योमेट्री लिंक कर ले लो आप, इधर से जाके इसको ले आओ, ठीक है, ले आया। अब जब आप केबीडी में जाओगे, जो आपने इसको हटा के ले आया ये भी इधर आ जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा इसमें मेरे दोस्त, आपको काम ये करना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे साथ जाके आप जो अगर रिसाइज ब्लेंड कर, रिसाइज ब्लेंड यहाँ पे 20 है ना, इसको हम हरा कर रिसाइज ब्लेंड करेंगे। आपको कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, कम करोगे तो ना इसको 20 का करना पड़ेगा, 20 का करना पड़ेगा, 21 का करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 22 का डाल रहा हूँ, 22, ठीक है। यहाँ पे इसको हम 22, क्योंकि अंदर की तरफ ले जाना है तो भाई ज़्यादा डालना पड़ेगा, है ना, 22, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। तो अब इसके बाद जो है आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, गायब हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया है। अब इसमें आपको ड्राफ्ट डालियो, अब ड्राफ्ट डालने के लिए ऐसा ड्राफ्ट तो डालेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है निगेटिव में ड्राफ्ट तो आएगा नहीं आपका, मैं दिखा देता हूँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ड्राफ्ट डालता हूँ 15 डिग्री का, लेफ्ट से मैं ड्राफ्ट डालता हूँ, इसको मैं निगेटिव डायरेक्शन में नहीं आएगा ड्राफ्ट, आएगा क्या, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, देखो, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको हटाने के लिए, यहाँ पे टेंजेंट नहीं लेना है, यहाँ पे आपको बाउंड्री ले लो, लेने के बाद ये जो है 8mm का, 8mm या 10mm ज़्यादा होना चाहिए मतलब, उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट डाल दो 15 का, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया आपका काम, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना ये है, यहाँ पे एक साइड चैम्फर डाल दो 12 का, और बाकी सब में रेडियस डाल दो। इस साइड चैम्फर डालोगे वो रेफरेंस के लिए हम रखेंगे 7mm करके, यहाँ पे हम 15 का रेडियस डाल, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कितना ड्राफ्ट वगैरह डाला समझ में आ गया। अगर आपको लगता है ये, अगर आपको लगता है ना
कि मेरा ड्राफ्ट कम है तो इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई इतना यहाँ पे हल्का सा गैप चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं गेट देने वाला हूँ ना थ्री प्लेन में। तो यहाँ पे देखो टेन की साइड में कोर साइड में आता हूँ, कोर में आने के बाद यहाँ पे भी मैं इसको ऐड कर दूँ, लाइक कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जो है इसको ड्राफ्ट दे सकते, कितना डिग्री का ड्राफ्ट देना है, 15 डिग्री का है ना, 15 डिग्री का हमने ड्राफ्ट दे दिया। अब आप असेंबली में आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो असेंबली में आया, आने के बाद जो असेंबली को एक्टिव कर देता हूँ ना, देखो यहाँ पे गैप होना चाहिए। एक गलती क्या हो गया, एक ड्राफ हम इधर से दिया, एक ड्राफ आपने उसमें उधर से दे दिया है ना, तो ये गलती हो गई आपसे। तो आपको करना ये है, ये जो कोर है ना, कोर में ड्राफ्ट आपको किधर से देना है, ये जो ड्राफ्ट है ना, ये ड्राफ्ट है ना आपको, ये ड्राफ्ट जो है ना ये ऊपर से देना पड़ेगा मेरे दोस्त, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा आपका, आप सही आएगा। इससे भी फर्क पड़ता है आपको, इससे भी फर्क पड़ता है, आपने नीचे से दे दोगे तो दोनों मिलेगा नहीं। आप देखो ना प्रॉपर है, यहाँ पे क्या है गैप है, रेडियस टू रेडियस क्या होगा, गैप बनेगा, परफेक्ट। अब इसके बाद इसको एक्टिव कर लेंगे, करने के बाद जहां जहां रेडियस है वहां वहां रेडियस देंगे, ठीक है, वहां वहां हम रेडियस देंगे, पूरा का रेडियस डालेंगे इधर साइड। अब उसके बाद 15 की रेडियस होने के बाद यहां पे हम चैम्फर डालेंगे, ठीक है, चैम्फर डाल, कोई दिक्कत यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको जाके हम यहाँ पे इसको एक्टिव कर, और एक चीज है दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा हमेशा ना ये वाला फेस को ऑफसेट कर देना होता है, कैविटी वाले को ऑफसेट कर देना, कैविटी वाला क्या होता है, इसको हम -1 mm का हम ऑफसेट कर, हमने रेडियस को रिलीव कर दिया और ये वाला एरिया को भी हम रिलीव कर देंगे, तभी भी कोर के बीच बाटिंग होगा ना, यहाँ पे गैप होगा तो ये बाटिंग एरिया है ना, ये वाला बाटिंग एरिया है, इतना एरिया बाटिंग होना, ये ध्यान रखना, ये उसकी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमें मोल्ड बेस बनाना है, यहाँ तक मैं जाके पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है सेव ऑल कर लेना है, क्योंकि आप असेंबली में काम कर रहे हो, असेंबली में जब भी काम करते हो तभी भी टाइम मिलता है, 5-5 मिनट में जाके इसको सेव ऑल कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया, ये देना जरूरी है, ठीक है, ये देना जरूरी है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपली, अब देखो ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ, के बाद जाऊंगा मैं यहाँ पे मोल विजेट में। आपने अगर यहाँ तक देख लिया, यहाँ से आपका मेन चार्ज शुरू होने वाला है, तो यहाँ से वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ से आपको सारा चीजें स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं यहाँ पे केवीटी लेआउट कर सकता हूँ, केवीटी लेआउट में क्या होगा, इसकी मेरा लेआउट बनेगी, जैसे मल्टी केवीटी होती है या आपकी जो केवीटी होती है सिंगल केवीटी में होती है, मतलब इसको हम पैटर्न करते हैं या मल्टी केवीटी बनाते हो या फैमिली मोल्ड होता है, तो इधर से आप बना सकते हो। और जो इंसर्ट पॉकेटिंग होता है, इंसर्ट पॉकेटिंग को हम यहाँ से काम कर सकते हैं, तरीके से जो इंसर्ट आपके पॉकेटिंग होना चाहिए, जैसे मेरे को रेडियस डालना है, जैसे अभी मैंने रेडियस डाला इससे भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे हम ड्रिल बिट डाल के इसको सेट करते हैं इससे भी कर सकता हूँ, ये टाइप टू का जो भी सही इधर से कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इधर से नहीं करा क्योंकि इधर से क्या होता है आपको अलग से ब्लॉक है, बाद में इसको पॉकेटिंग करना पड़ेगा, सबट्रैक करना पड़ेगा, तो काम आपका बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ से अगर करना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो भी डाल रखा इसके इससे थ्रू करने का, उससे भी जाकर देख सकते हो आप, लेकिन मैं थोड़ा अलग यूनिक तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा यूनिक तरीके से कर रहा हूँ। अब उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे मैं मोल्ड बेस्ड लाइब्रेरी में, तो मूल बेस्ड लाइब्रेरी होता क्या है, बेसिकली जो भी मैं बनाऊंगा इसकी आपको एक एक लाइब्रेरी का बेस बन के आता है, एक एक मूल बेस्ड का एक लाइब्रेरी बन के आता है। तो मूल बेस्ड लाइब्रेरी में आपको मैं काम करना बताता हूँ कैसे इसको काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, इसमें बताऊँ मैं आपको, टू प्लेट में बताओ या थ्री प्लेट में बताओ, चलो मैं आपको इसमें टू प्लेट में बताता हूँ सबसे ईजी करके आपको, ठीक है, ये पूरा केस कराऊंगा तो टाइम लगेगा इसमें। तो टू प्लेट में हम क्या लेते हैं, टू ए लेते हैं, ठीक है, टू ए प्लेट लेते हैं, टू ए प्लेट में क्या आएगा आपका, एक आपका हाउसिंग प्लेट आएगा, एक आपका फूड हाउसिंग, एक केविटी हाउसिंग आएगा। अगर मैं इसमें स्टीपर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक स्टीपर प्लेट आ जाएगा SPP, ये टू प्लेट का प्लस स्टीपर प्लेट का। अगर मैं थ्री प्लेट में आना चाहता हूँ तो इसमें एक प्लेट बन जाएगा, स्टीपर प्लेट बन जाएगा मेरा, ठीक है, इसमें स्टीपर बनेगा, ठीक है, ये मेरा कौन सी हो गया, ये आपका केविटी प्लेट है, ये स्टीपर प्लेट हो गया, इसको हम उल्टा करके साइज वगैरह चेंज कर देंगे, ठीक है। चौथा अगर हम जाने जाते हैं थ्री प्लेट मोल में, तो इसका कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें अलग से एक स्टीपर प्लेट आता है, देखो किसी एक स्टीपर प्लेट, थ्री प्लेट मोल्ड है, ऊपर स्टेबल प्लेट है, केवीटी प्लेट है, उसमें भी आपका एक स्टीपर प्लेट आता है। उसके बाद देखते हो तो ये अलग से प्लेट बन के आता है, ये भी आपको स्टीपर प्लेट, थ्री प्लेट के कॉन्सेप्ट में बनता है, ये आपका अलग से एक प्लेट आता है। हम अपने प्लेट के अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है, मैं उसके अकॉर्डिंग सेट करता हूँ। मैं जो है फिलहाल के लिए ये वाला प्लेट लूंगा,
अब लेने के बाद जब भी साइज आता है मैं उससे एक साइज बड़ा लेता हूँ, ठीक है, एक साइज बड़ा लेता हूँ। और जो क्लैंप टाइम है ये मैं पहला वन बड़ा लूंगा, क्लैंप सीपीजी टाइप जो है मैं वन बड़ा लूंगा, ठीक है। अप्लाई कर देता हूँ मैं, अप्लाई करने की बात मेरा जो मोल बेस है वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली बन के आ रहा है। अब मोल बेस के साथ छेड़खानी कैसे करना है अब मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले मोल बेस को आने देते हैं हम, सिंगल कैविटी में बनाऊंगा जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है, 6 इंच का है, ठीक है, तो इसको सिंगल कैविटी में बनाना है तो पहले मोल बेस को आने देते हैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है तो मैं ओके कर देता हूँ, ये मेरा आ गया डन। अब मेरा यहाँ पे असेंबली में जाकर देखो आप, यहाँ पे मेरा मोल बेस का आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखोगे मूविंग आप ठीक साफ बन के आ गया, तब दो मेरा बेस बन। अब ध्यान से इसमें देखते हो तो आपको ये लगता है इसकी हाइट बहुत कम है ना, इसकी हाइट बहुत कम है और जो इस प्रेशर ब्लॉक है इसकी भी हाइट कम है ना, तो मैं इसको कैसे सेंस करूंगा। इसको सेंस करने के लिए फिर यहाँ पे जाऊंगा जाके ये मोल बेस को सिलेक्ट करूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ जो मेरा एपी है, एपी मतलब एपी हाइट जो है इसको मैं बढ़ाऊंगा, इसको मैं 160 का करूंगा, ठीक है। मेरा बीपी हाइट, बीपी हाइट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मेरा बीपी हाइट जो है इसको मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकता हूँ दोस्त, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे साइज वगैरह मैं चेंज नहीं करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे जो सीपी है सीपी की विड्थ बढ़ाऊंगा, तो सीपी जो है सीपी विड्थ 56 है ना, इसको मैं 65 करूंगा। देखो अभी कहानी क्या होगा, अब देखते रहना 55 करने के बाद क्या दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ से मेरे इजेक्टर प्लेट का विड्थ कितना है, इजेक्टर प्लेट का हाइट कितना है, 16 है, इसको जो मैं कर दूंगा 16 16 कर दूंगा, ठीक है, करके अब अप्लाई कर दूंगा, दोनों सेम हो जाएगा। आप ध्यान से देखते हो ना, तो देखो सारा चीजें बन गया, लेकिन मेरा जो इजेक्टर प्लेट है इसको मुझे छोटा करना है। अब इससे आपने करना सीख लिया, अगर आपको मान के चलो मैनुअली बनाना पड़ता है, तो मैनुअली बनाना पड़ता है तो आप इसको कैसे बनाओगे दोस्त। यहाँ पे मैं देता हूँ मेरा जो प्लेट है ये किधर चला, कोर प्लेट जो है यहाँ पे मिलेंगे आपकी, जो कोर प्लेट है कोर प्लेट आ गया, ठीक है, कोर प्लेट आ गया। कभी ऐसे गायब होता है तो इधर से आप निकाल सकते हो। देखो ये मेरा बाहर चला गया, आप मुझे इसको शिप करवाना है, तो मैं क्या करूँगा इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने की बात आपको यहाँ पे जाके ये जो मूव कमांड है, इस मूव कमांड से इसको सिलेक्ट करके इसको -20 mm या -15 mm क्या सफिशियंट है, -15 इधर से भी आप इसको -15 क्या अगेन जो है इस प्लेट को एक्टिव करूंगा। देखो ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, कितना करना है -15 इधर भी जाएंगे 15 mm, ठीक है, आ गया, दोनों बोल्ट एक साथ आ गया, देखो दोनों बोल्ट एक साथ आ गया ना। अब मैं ये करूंगा, ये जो प्लेट है ना, ये जो मेरा इंसर्ट है इसको सेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब जैसे सॉरी यहाँ पे इसको एक्टिव कर लेता हूँ मैं, कर दिया एक्टिव ऑलरेडी हो रखा है। अब ये जो इंसर्ट है इसको सेंस करना है, इसको सेंस करने के लिए मैं इसको सेंस कर लूंगा, इधर से ऐसे सेंस करूंगा, कैसे सेंस करूंगा सेम इसी तरीके से ये पूरा सेंस हो जाता है 15 mm का, ठीक है, इसके साथ ये भी आ जाएगा। अगेन इसको लेना है आपको, लेने के बाद इसके साइड से ये 15 mm, अब देखो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, इस तरह से काम हो जाएगा, इसमें मैं ले आता हूँ। अब इतना भी छोटा मत कर देना क्योंकि लिपटा लगने वाला, लिपटा लगेगा तो आपका जो ये प्लेट है ना इसको आपको बड़ा करना पड़ता है, बाद में बड़ा करना होगा ना, हम मोल बेस को बड़ा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान से देखते हो ना दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा क्या है बोल्टिंग है, मैं अभी ये जो बोल्ट है इसके साथ मैंने इसको मूव कर लिया, लेकिन इसके साथ इसको मूव करूंगा ना तो ये मूव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ आपको इजी करने के लिए, आपका काम इजी करने के लिए यहाँ पे पहले जो है रेफरेंस लगा देता हूँ एक चैम्फर का, ठीक है, ये रेफरेंस के लिए मैं बात कर रहा था। अब देखो ये जो वोल्ट है इसको मैं सेंटर पे लेना चाहता हूँ, तो सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई आपको ऐसे बताने वाला नहीं है सारा चीज़। सेंटर पे ले आता हूँ 0 0 में 1 6 1 1 6
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सीधा तो ऐसे मूव नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको सीधा मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है, मूव करना कमांड नहीं कर पाएंगे, मूव कमांड में मूव हो जाता है ना, लेकिन मूव में ये भी मूव हो जाएगा, मैं यहाँ पे मूव का नहीं कर सकता, कॉपी का करना पड़ेगा, कॉपी करूंगा तो यहाँ पे ये वाला ऑन कर लेना, पेस्ट कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कितना लाना है, 116 था ना, 116, ठीक है, तो 116 ले आए। कॉपी में ये जो इंसर्ट होता है वो मूव नहीं होता है, मूव में तो हो जाता है दोस्त, मूव में तो हो जाता है, लेकिन कॉपी में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी में ही नहीं होता है। अब इसके लिए क्या करोगे आप, 11, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, इसको भी कर लेते हैं भाई, ठीक है, मूव नहीं करना है, कॉपी करना है, मूव और कॉपी करोगे तो इसमें काम कैसे करोगे, बहुत कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनो बस, बहुत कुछ चीजें सिखाऊंगा, आप ध्यान से सीख सीखते जाओ बस, ऐसे ऐसे चीजें सिखाऊंगा ना, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, लेने के बाद ठीक है, 11, ठीक है, अगेन इसकी जो स्क्रू होगा वो भी हम ले लेते हैं, स्क्रू को लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल नहीं, कॉपी फेस, इसको भी हम लेके 116, 11, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चंस था कि सर इसको हम मूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, देखो स्क्रू मूव नहीं हुआ, फिर हमने कॉपी करा है, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको करना क्या है, इसको एक्टिव कर लेना, आपने एक्टिव कर लिए। अब ये कहाँ मिलता है पता है, ये मिलता है आपको इधर में, जैसे मूवेबल हाफ, ये कौन सा मूवेबल हाफ है ना, इसके अंदर मिलेगा आपको, या फिक्स हाफ है, आप पहले ये देख लो कि मूवेबल हाफ है या फिक्स हाफ है, आपको इसके अंदर मिलेगी, देखो ये स्क्रू है। मैं क्या करूंगा, इधर से असेंबली में जाऊंगा, मूव कर दूंगा इधर, मूव है तो यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट सिलेक्ट हो रहा है क्या, एंटायर असेंबली कंपोनेंट सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल टी करके, हम यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है कंट्रोल टी से, नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्क पार्ट के अंदर, मतलब वर्क पार्ट के अंदर है, तो हम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लेकिन इधर से इससे सिलेक्ट करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए एक तरीका बता दो, ध्यान से सुनना, मेरा कौन सा पार्ट है, ये स्क्रू है ना, मेरा ये स्क्रू है, तो मैं इस वाली असेंबली को एक्टिव कर लेता हूँ, जिस असेंबली में काम करना है उस, ये पार्ट को एक्टिव नहीं करना है मुझे, देखो मैं अगर बता देता हूँ आपको, ये स्क्रू को एक्टिव करता हूँ तो ये वाला पार्ट एक्टिव होता है, आपको इस पार्ट का जो पैटर्न पार्ट है ना, जो पैटर्न पार्ट ये है, इसको एक्टिव कर लेना, कर लिया। अब आप मूव कमांड लगाओगे ना तो ये हो जाएगा, देखो सिलेक्ट हो गया ना, यहाँ पे डायनेमिक के जगह वेक्टर दे दो, यहाँ पे कॉपी दे दो, क्लियर है दोस्त, मैं किस तरीके से आपको करने के लिए बता रहा हूँ, ये तरीका यूज करोगे कभी फंसोगे नहीं, असेंबली में काम नहीं करोगे तो आपको दिक्कत ही आएगी, ठीक है। क्या कर देता हूँ, देखो ये स्क्रू आ गए इधर में, अब मैं ये एक्टिव कर देता हूँ, मेन पैसे आ गए ना, सिमिलरली आप इसको भी इस तरीके से ला सकते हो, कैसा लगा तरीका आपको, आपको करना क्या है, इसको टिक करके देख लेना ये किधर में है, ये पार्ट पहले देखना किधर में है, ये वाला असेंबली में, इसको असेंबली को क्लिक कर लेना, करने के बाद मूव पैटर्न में चले जाना, मूव कंपोनेंट में चले जाना, असेंबली वाला मूव कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी में आ जाना, तो ये और आपका ये, ठीक है। उसके बाद क्या देना है, डायरेक्शन देना है -116, ठीक है, डन। ऐसा लगा आपको तरीका, ठीक है, असेंबली में काम आना चाहिए आपको, नहीं आया तो कोई बेकार है सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं सेव कर लिया, इस तरीके से स्क्रू वगैरह डाल सकते हो, अगर आपको अपने हिसाब से स्क्रू डालना है तो आपका अपने हिसाब से स्क्रू डालना है, जैसे यहाँ पे M12 का डाल रखा हो, ठीक है, या M16 का डाल रखा हो, अगर आपका अपने हिसाब से स्क्रू डालना है तो इसके लिए भी इलाज है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको मोल बाजार पे जाना है, मोल बाजार पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये मिलेंगे स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको इधर में चले जाना, आपको क्या चाहिए गाइड, क्या चाहिए आपको, मुझे स्क्रू चाहिए, कौन सा स्क्रू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैनुअल मोल बाजार लाइब्रेरी चाहिए, ये देखो आपको क्या है, टेको मोल बाजार लाइब्रेरी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जो भी चाहिए, अच्छे मुझे कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक प्रूफ जो भी चाहिए, लेआउट से चाहिए, प्लान से चाहिए, या आपको WCS से चाहिए, मेरे को प्लान से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान से है तो सिलेक्ट फेस, मान लो मुझे फेस से वोट लगाना है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे साइज दो, टैप किया है CS में, ठीक है, साइज कितना है, 4 का है, M5 का चाहिए, M6 का चाहिए, M6 का चाहिए, लेट्स से M12 का ला रहा हूँ मैं, ठीक है, M12 का ला रहा हूँ, ओरिजिनल 1 है, देखो यहाँ पे 1 क्या है, 2 क्या है, देखो क्या M12 × 20 का कैटलॉग में बन रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे हेड डाया कितना है आपको देख लो, ये कितना है,
एक एक चीजें आपको कितना कहाँ पे क्या बनेंगे, हेड कितना बनेगा, स्क्रू कितना बनेगा, एक एक चीजें आपको यहाँ मिलेंगे, आपको बस ओके कर, जैसे आप ओके कर देते हो तो यहाँ पे देखो आपका ये बन के आ जाता है। मार देता हूँ, देखो आपका ये बन के आ गया। अब आपको जिधर डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो उसके बाद इसको लोकेशन देना है, मान लो फ्लिप करना है तो ये फ्लिप कर सकते हो। उसके बाद मान लो रिपोजिशन करना है, रिपोजिशन किधर में करना है आपको, ठीक है, तो उसकी रिपोजिशन ऑफसेट कर सकते हो। मान लो जिस डायरेक्शन में जाना है, वाई में जाना है, मान लो वाई में भी जा सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो फेस है उस फेस के अबाउट ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल में जेड कर देता हूँ, ठीक है, ये चला गया। इस हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। दो तरीका सीखने आपने, कैसे बोल्टिंग का यूज करना है, मैनुअली कैसे करना है, और आपको कॉपी करके कैसे करना है। दो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम जो है कोर केबीटी को सबट्रैक्ट करेंगे। इसको सबट्रैक्ट करने से पहले हम जो है केबीटी में गया, जाने के बाद एक हाउसिंग प्लेट ले लेंगे, कोर में गया एक में, यहाँ पे भी एक बाउंड्री बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक बाउंड्री बॉक्स हम ले लेते हैं। क्लिक नहीं हो रहा है क्या, दो बार क्लिक कर देना अगर कभी दिक्कत आता है तो। उसके बाद हम सिलेक्ट करके इसको भी हम एक बाउंड्री बॉक्स ले लेते हैं, आ गया। अब मैं यूँ करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको एक्टिव कर लिया, करने की बात, ठीक है, ये करने की बात। यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट कर सकता हूँ सीधा। आप पॉकेट का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप जो है जैसे मैंने आपको बताया मोल बिजार में अगर आप इसके थ्रू बनाते हो तो इसके आप थ्रू इसके पॉकेट का यूज़ करके बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली बना रहा हूँ। मैनुअली मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है, सबट्रैक्ट। और यहाँ पे आपको जो बॉडी है, देखो बॉडी तो शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस बॉडी को सिलेक्ट करा है, क्योंकि मैंने को यहाँ पे जाके ज्योमेट्री लिंकर लेना पड़ेगा, ज्योमेट्री लिंकर तो मैंने लिया नहीं हूँ। मैं ऐसे करके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कौन सा वाला पार्ट है, कवर प्लेट बॉडी UM क्या है, देखो यहाँ पे पेन कवर बॉडी, तो मेरा ये वाला है, तो ये वाला देखो ना, ये वाला रेक्टेंगल है, उसमें मैं रेडियस डाल रखा था। अब मैं इसको सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, स्किप टूल को करके हटा दो, गायब कर दो। अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं असेंबली में जाऊंगा, ज्योमेट्री लिंकर पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, अगेन इधर पे जाऊंगा, सबट्रैक्ट करूंगा ये स्पेस से, सबट्रैक्ट गायब। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस इसको गायब कर दो, काम हो गया ना, तो इसको हटा दो, काम हो गया तो इसको भी हटा दो। ज्योमेट्री दोबारा क्लिक कर देना, क्योंकि एक मार से डायरेक्ट आते हो ना तो ये एरर दिखाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब जो रेफरेंस मारे थे ना आपने, जो रेफरेंस मारे थे ना, अब रेफरेंस वाले को ऑन कर लो दोस्त, रेफरेंस वाले को ऑन कर दिया, देखो ये रेफरेंस है ना। अब रेफरेंस बार में सैंपर हमने 12 का सैंपर मारे थे, ये साइड में हमने 12 का सैंपर मारे थे, तो यहाँ पे 12 की जगह आप 10 मार दो, क्योंकि क्या चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। अगेन इसमें जाना है, यहाँ पे भी आपको कितने का चैम्पर मारना है, 10 का मारना है, ठीक है। अब आ गया, अब सब में आपको रेडियस मार दो, हमने रेडियस 15 का मारा थे, तो यहाँ पे भाई क्लियरेंस चाहिए आपको, 15 की जगह हम कितने का डालेंगे, यहाँ पे 14 का डाल देंगे, तो एक का क्लियरेंस इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो ये क्लियरेंस आपको समझ में आ गया। अब अगेन इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद जैसे हमने इस साइज चैम्पर मारा, बाकी 3 साइज बाकी है, तो 3 साइज में हम रेडियस मारेंगे, ये 14 का डन हो गया। अब देखो आपको यहाँ तक हो गया, अब मैं असेंबली को खोल के दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेके टेप कैश कर देता हूँ, टेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अब काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आपका काम और बाकी है, ठीक है। अब आपने वो क्या करना है, ये जो है कविटी इतना बड़ा, आप थोड़ा ना इसको हार्ड फिट करोगे या टाइट फिट करोगे, टाइट फिट नहीं करेंगे ना, इसमें भी आपको रिलीफ डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे ये मेरा केविटी है, ठीक है, ये मेरा जो है कनेक्टेड टेंजन ले लिया, ठीक है। तो लेने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 100 mm, ठीक है, 100 mm नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 150 mm, आर पर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं 40 mm का टाइट फिट रखूँगा, ठीक है, ऑफसेट टू साइडेड, यहाँ पे -1 कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे बाद इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूँगा। देखो ये इतना एरिया टाइट फिट में रहेगा, बाकी क्लियर रहेगा, आप क्लियर है। और यहाँ पे आपको चैम्पर डालना है, तो आप चैम्पर का यूज़ कर सकते हो, एक का चैम्पर करके, अब इसका चैम्पर का यूज़,
ये ऐसे रहेगा। अगेन द कोर, कोर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको कोर को भी डिजाइन करना है। ठीक है, कोर में ऑलरेडी कम मेटेरियल है, इसको हम जो इस तरीके से कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 30 mm कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे, रिवर्स डायरेक्शन, टू साइडेड, 30 mm, ओके। ठीक है, ये कटआउट हो गया, अब यहाँ पे हल्का सा हम चैम्फर करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे आपका जो एरिया है ना, प्रॉपरली सेट है। इसको हम सेव कर लें, सेव करने के बाद आपको सेव ऑल कर लेना है। तो दोस्तों देखो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम जाके इसको सेव ऑल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अब मुझे इसमें क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे अब लगाना है प्रेशर पेड लगाना है। ठीक है, प्रेशर पेड लगाने के लिए कुछ आपको क्राइटेरिया है, कुछ आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके लिए आपको ये देखना है, जो यहाँ पे जाते हो ना आप, जैसे मैं इसको जो है मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे जाने की बात इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज कर, ये मेरा मूविंग हाफ है। ठीक है, ये मेरा फिक्स हाफ है। ठीक है, यहाँ पे मूविंग हाफ उल्टा, फिक्स हाफ उल्टा क्यों है, क्योंकि एनिमेशन की टाइप यहाँ पे आपको एक्शन देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है मूविंग हाफ बोलते हैं, क्योंकि एक्सीक्यूशन इधर में करते हैं एक तरफ, इसलिए यहाँ पे मूविंग हाफ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मूविंग हाफ है, ये फिक्स हाफ है। तो मूविंग हाफ और फिक्स हाफ में आपको कुछ सर्टेन गैप देना पड़ता है, 1 mm, 1 mm का जो गैप देते हैं, लेकिन जो 1 mm गैप देंगे ना, हम इसमें ही देंगे, कोर कैविटी में नहीं देंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप, जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूरा नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, गलती बहुत हो जाएंगे आप में। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना चीज़ों को। तो बात यह है कि ये जो फेस है ना, मैं प्रेशर पेड लगाऊंगा, तो ये दोनों फेस जो है ना इकट्ठा नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे गैप बनना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि मैं इसको मूव बॉडी करता हूँ, तो यहाँ पे पूरा असेंबली सिलेक्ट होता है ना, क्योंकि असेंबली में काम नहीं करा तो आपको नहीं पता ये सारा चीज़ें, बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे पूरा असेंबली एक्टिव है तो काम नहीं होगा, यहाँ पे ये देखना है आपको मूविंग हाफ फिक्स हाफ कौन सा ये है। अगर मैं मूविंग हाफ को डायरेक्ट सिलेक्ट करूंगा तो इसकी सब पार्ट को मैं सेंस कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको करूंगा तो फिक्स हाफ के सब पार्ट को मैं मूव कर सकता हूँ, मुझे तो इन दोनों को मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो असेंबली है, इसका जो पेरेंट्स फाइल है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पेरेंट्स फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं मूव करूंगा तो ये जो है कोई मूव नहीं होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे वन करा ना, ओके कर दिया, कोई मूव नहीं हुआ भाई, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट का यूज कर रखे हो, ये मोल्ड विजय जो है ना ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट ले लेता है। यहाँ पे कुछ 0-0 दिल रखा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना कितना है, 0-0 है, तो इसको हम वन कर लेंगे दोस्त, दोनों के बीच में वन डिस्टेंस कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा देखो यहाँ पे वन डिस्टेंस है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे वन डिस्टेंस जो इसके बीच में है, लेकिन इससे पार्ट के साथ कोई शेरखानी नहीं हुआ, ये मोल बेस की बीच में गैप बन गया है 1 mm का, इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, मोल बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बीच में ये आपका ये। ठीक है, यहां तक मैंने इसको 1 mm क्यों बनाया, अब इसको ध्यान से समझना मैं क्यों बनाया हूं। मैंने क्या करना है, ये जो फिक्स हाफ है ना, इस फिक्स हाफ का जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं ओपन इन विंडो में ले आ रहा हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट है तो मैं ओपन इन विंडो पे ले आया। अब यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे मैं एक प्रेशर पेड बनवाऊंगा। कैसे बनवाऊंगा दोस्त, प्रेशर पेड कैसे बनवाना है देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लूंगा एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर पेड बनाना है, यहाँ पे 2 बोल्टिंग नहीं, 3 बोल्ट, 2 बोल्टिंग करना पड़ेगा दोनों साइड से, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 65 के जगह 70 और 70 लूंगा, 70 और 70। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, 70 70 लिए यहाँ पर रेडियस डालना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पर रेडियस डालेंगे, कितने का रेडियस डालेंगे, एटलीस्ट 25 का हम रेडियस डालेंगे। ठीक है, 25 का रेडियस डालेंगे हम यहाँ पे, तो 75 mm तो है सफिशियंट है, तो आप इसको जो है, अगर मान लो इसको आप 60 करना चाहते हो, 60 भी ओके, ठीक है 60 भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को बोल्टिंग करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखूँगा, तो 2 बोल्ट लगाना है मुझे M5 का M6 का प्रेशर पेंट को रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 65 कर लो, अगर आपको लगता है कि 70 mm ज़्यादा है तो आप 65 कर सकते हो। ठीक है, अब मैं उसके बाद यहाँ पे सेंटर है, और इधर में भी जो सेंटर है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो मिरर करूँगा। ठीक है,
है, तो ये मिरर कर देता हूँ, उसके बाद ये और आपका ये, इनको भी हम मिरर कर, चल लिया। अब आप दोस्तों देखो, यहाँ पे जो भी प्रेशर पेट बनेगा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी बनने वाला है प्रेशर पेट, जो भी आपके प्रेशर पेट बनेगा, इसको मैं जीरो कर लेता हूँ और इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे प्रीव्यू को ऑफ कर लेता हूँ। प्रीव्यू ऑफ करने के बाद मैं इसकी जो है, ये जो यहाँ पे कॉलर रहेगा तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अभी मैं प्रीव्यू को, ये जो प्रेशर पेड है ये ऊपर की डायरेक्शन में 0.5 रहता है, कितना रहता है 0.5 रहता है। अब नीचे की डायरेक्शन में -6 का कर देता हूँ, कितने का प्रेशर पेड लगाना है, लेट्स से 8 समथिंग का लगाना है, तो मैं यहाँ पे 8 का लगाऊंगा। लेट्स से मुझे 10 का लगाना है, -10 का लगाऊंगा, वो आपके ऊपर है तो मैं 10 का लगा रहा हूँ। यहाँ पे 10 और ऊपर जो एंगेजमेंट होगा वो 0.5 का एंगेजमेंट होगा, क्लियर है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबट्रैक कर देना है, ध्यान से सुनना और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आगे। हाँ, यहाँ तक रहना, देख लिया तो कुछ थोड़ा सा रह गया, ध्यान से उसको समझना आप। यहाँ तक समझ में आ गए, इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद यहाँ पे जो आपकी ब्लेंड है, ब्लेंड को हम क्या करेंगे, रेडियस को कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रिलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेडियस टू रेडियस मैचिंग नहीं होता कभी भी। 24 का कर देते हैं, क्लियर। अब आपको करना यू है, ये तो आ गया आपको, और हमेशा इसके साथ ये 0-0 नहीं होता है, इसको हम जो है हल्का सा ऑफसेट कर देंगे, रिलीफ कर देंगे, ठीक है, इसको हम रिलीफ कर देंगे -0.5 का, बाहर की तरफ थोड़ा सा खुला हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रेशर पेड लगा दिया आपने। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मैंने 10 mm जो कम है, लेट्स से 12 mm करना चाहते हो, तो यू कैन आप आराम से कर सकते हो 12 mm, ठीक है। अच्छा, मोटा होना चाहिए, ध्यान रखना ये मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बोल्टिंग करूँगा दोस्त, ठीक है, यहाँ पे बोल्टिंग करूँगा। तो बोल्टिंग जो होना चाहिए, एक तो इधर करूँगा, एक इधर करूँगा आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। लंबा बना रहा हूँ लेकिन काम आपका आएंगे, सीखने को बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैं 10 का कर देता हूँ, ठीक, और इधर से इसका भी मैं 10 कर दूंगा, 10, अगेन इधर से इसका 10 कर दूंगा, और आपका इधर से भी इसका मैं 10 कर दूंगा, ठीक है, डन। यहाँ पे लगाना है क्या, यहाँ पे लगाना है तो लगा सकते हो, 3 volts तो M5 के लिए सफिशियंट है अगर आपको लगाना है तो, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, 2 से काम हो जाता है आप, ठीक है ना, 2 से आपका काम बन ही जाता है, कहा गया दिक्कत करता है इधर से, है ये मैं 15 का, वो ये 5 का आ गया, अच्छा ओके गलत हो गया, 15 का होगा आपका, देखो सेंटर पे आना चाहिए, सेंटर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 15 लगता है तो ज़्यादा है, लगता है क्या आपको, ज़्यादा नहीं ना, सेंटर पे है, इसको हम मिरर कर देते हैं, ठीक है, मिरर कर देंगे इसको हम, मिरर 1 2 1 2 3 बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे गैप मिले वहाँ पे दे रहे हो आप, हम एग्जिट कर, क्लियर है, ठीक है। अब इसको आपको करना ही है, यहाँ पे सीधा जो है आपको बोल्टिंग कर देना है। अब मैं बोल्टिंग ऐसे करूँगा, बाद में इसकी बोल्टिंग लगा दूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा M5 का डाल दूंगा, M5 का थ्रेडेड नहीं, आपको होल सी रिसीव करना, होल सी रिसीव करने के बाद यहाँ पे M5 का डाल दो आप, और यहाँ पे स्टार्ट में रेडियस डाल दे, पता लग जाए, एक, ठीक है, टिपिंग कितना देना है यहाँ पे, टिपिंग वगैरह देख लो, 10 का टिपिंग दे रहा है, ठीक है, दोनों एक साथ कर सकते हो तीनों को, ठीक है, मैं अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैं बस दिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ आपको, टिपिंग कर लिया वहाँ पे, तीन जो है यहाँ पे वोल्ट रहेगा,
इस तरीके से, और हमेशा कितना रखना है 0.5 जो ऊपर रहेगा स्पेस से, क्योंकि पहला जो प्रेशर पे ही बैटिंग देगा आपको कंपोनेंट को, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना कि इसको इक्वल मत रख देना कि हमने वहाँ पे 1 mm का ऑलरेडी हमने क्या दे दिया, गैप दे दिया, राइट। 1 mm का हमने ऑलरेडी गैप दे दिया ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इस साइड में, इसलिए यहाँ पे मैं चैम्फर वगैरह डालूंगा ना, एक साइड में दिक्कत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको भी। डन, तो ये हो गया, डन हो गया, हो गया ना आपका, यहाँ पे ये वाला चीजें बन गया। आप देखो टॉप में जाके देखो, यहाँ पे ये मेरा प्रेशर पेट बन गया। अब ऊपर वाला प्रेशर पेट बनाना है, तो ऊपर वाला प्रेशर पेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको जाके उधर ले जाना है ना, तो इसको मिरर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे एक्टिव कर, देखो काम कैसे करना है, काम करना समझो आप कैसे करना है। यहाँ पे जाना है, जाके इसको सिलेक्ट कर, चारों को कर लिया। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को जाके कहाँ पे कर देना है, ये जो असेंबली एक्टिव है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन आ गया। ये जो एरिया है इसको हम कर देंगे मिरर, ठीक है, इसको हम कर देंगे मिरर। मिरर ऐसे नहीं करना है, मिरर में भी देखो आपको कहानी क्या है, मिरर ज्योमेट्री 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये मिरर नहीं, ये फेस, चार सिलेक्ट हो गया, मिरर फेस। मिरर फेस में जो पॉइंट आउट गैप है ना, ये पॉइंट आउट, पॉइंट आउट क्लियर होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है। अब ऊपर वाला जितना भी कहानी है, ऊपर वाले को आप डिलीट कर दोगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये एरिया सबट्रैक्ट होने वाला है ना, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 सबट्रैक्ट। अब आपके पास कुछ काम रह गया, अब उसको काम को कैसे खत्म करना है, ये जो है ना इसको हम कर देते हैं डिलीट, स्पेस को सिलेक्ट हो गया, स्पेस को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, स्पेस को सिलेक्ट नहीं करना, स्पेस को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। बाकी आपका ये डिलीट हो जाए, हो गया। ऐसे सिलेक्ट करना है आपको, क्या सिलेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4 बस, अगेन सिलेक्ट कर लेना है, 1, 2, 3, 4 सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लेना है, 1, 2, 3, 4 ठीक है, डिलीट। ये मेरा इस तरीके से इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब प्रेशर पेट आ गया, आप इसको ले आओ, इसको ले आओगे तो इधर से ये टच हो रखा है ना, तो टच हो रखा है कि इसके हिसाब से कराएं। अब इसके जो हम क्या करेंगे, रिसाइज प्लान 25 है ना, कितना करना है, 24 करना है ना, इसको हम 24 कर देंगे, क्लियर है। इससे को कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको आ गया। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पे स्केच लेके M5 का आपको टेपिंग डालियो। टेपिंग कैसे डालना है, पे 1, 2, 3 ठीक है, मिरर विरर नहीं मारूंगा, सीधा एक होल से बढ़ता हूं, 1, 2, 1 इसलिए जो मेमोरी एक्सेस आ रहा है ना, इसीलिए आपको जो है सबसे पहले ये इसको ओके कर लेना है, कि आप शेप टू शेप करते रहो फाइल को, ये मेमोरी एक्सेस आ के बाद में फाइल आपको उड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और नेट कनेक्शन ऑफ करके काम कर लेना, तब भी काम करोगे आप। सिलेक्ट करा ठीक है, कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब जो ये जितना भी होल है, इस होल पे आपको ये काम करना है, थ्रेडेड होल मारना है आपको, कितना मारना है, यहाँ पे थ्रेडेड होल मारना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, सीधा जो है जाना है यहाँ पे, स्केच को सिलेक्ट करना है, कितना मेरे दोस्त, M5 का हो गया काम खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज़ आप समझ में आ गया आपको, इतना बढ़िया से मैंने सारा चीज़ें समझा दिया। अब यहाँ पे जो ये होल, ये जो स्केच है, इसको हम सिलेक्ट करके कोई भी लेयर पे डाल दो, 100 में डाल दो, ठीक है, 100 लेयर ऑलरेडी ऑफ रहता है यहाँ। अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ,
आज आपने जो इसमें क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा आपने इसमें, ठीक है, क्या क्या आपने इस कहानी में सीखा है, कैसे कैसे बनाना है, ठीक है, कोण कितना लंबा करना है, इसमें देखो ना सब चीजें आपका आ गया, सभी चीजें आपका इसमें आ गया। अब इसमें इजेक्टर से वगैरह इसमें हम बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे, अभी नहीं, एक एक करके बनाएंगे। इजेक्टर वाले में हम इजेक्टर का काम करेंगे, तो यहाँ पे हमने आज का काम जो था मोलबेस का था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल को, आज का जो काम था आपका मोलबेस का काम था, तो मोलबेस में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब आपका दो चीजें रह गया है, एक आपका क्या रह गया यहाँ पे, एक तो आपका रह गया स्क्रू बुश और जो है रजिस्टर रिंग व लोकेटिंग रिंग, ये आपका इसमें रह गया। बाकी देखो आपका बोल्टिंग हो गया, हमने किस तरीके से इसको लगाया है, देखोगे यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे गाइड वगैरह लगा रखा है ना, पिलर वगैरह लगा रखा है, तो किस तरीके से हम इसको गाइड हो रखा है, कैसे कैसे गाइड करना है, यहाँ पे भी देखोगे किस तरीके से यहाँ पे गाइड दे रखा हूँ की तरफ से भी, बैक कर देता हूँ, तो यहाँ पे किस तरीके से ये बैक करना है ना, तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से बना रखा है। वैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका डीएमई का है, ये आपका डीएमई का कॉन्सेप्ट से बन रखा है। यहाँ पे सारा चीजें आपका बन गया है। दूसरा चीजें हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये स्लाइडर और लिफ्टर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हम मोल्ड बेस को खत्म कर लेते हैं, जो जो इसमें बोल्टिंग करना है, जो जो एसेसरीज वगैरह लगाना है, एक एक एसेसरीज भी लगाएंगे हम, स्टैंडर्ड लगाएंगे, जैसे हम इसके थ्रू लगाना आपको मैं बता रहा था, तो बहुत सारा लग जाता है, डबल पिन लगाना, स्प्रिंग लगाना, सारे चीजें एक एक चीज आपको लगाना सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कौन से कैसे बनाना है। अगर आपको इसी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, नीचे मेरा नंबर मैंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो इसी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह मैं देते रहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश कर रहा कि सारा चीज़ें आपको असेंबली में कैसे काम करते हैं वो समझाऊँ, ठीक है, तो बहुत कुछ सारा कॉन्सेप्ट है, आपको एक आइडिया हो गया होगा। और अगर आपको इस तरीके से मोल भी जब भी क्लास वगैरह सीखना है, तो नंबर मेंशन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।